अगले आईपीएल एडिशन को लेकर बीसीसीआई कंफर्म कर चुका है कि अगले आईपीएल एडिशन में टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी। इसके साथ ही 10 टीमें होने के कारण हमें दिसंबर के महीने में बड़ी नीलामी यानी मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। और अब बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन को लेकर यहाँ पर 3 से 4 नए नियम जारी कर दिए। कुल मिलाकर बीसीसीआई ने आज मेगा ऑक्शन के लिए 3 से 4 नए नियम बता दिए। इसके साथ ही रिटेंशन पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर बीसीसीआई ने नए नियम बता दिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर मेगा ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई की तरफ से यहाँ पर कौन कौन से नए नियम बताए गए, इसके साथ ही रिटेंशन पॉलिसी में आखिर क्या क्या बदलाव किया गया और एट द एंड कौन कौन सी टीमें आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेगी, आपको इस वीडियो में ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं कि मेगा ऑक्शन में बीसीसीआई ने कौन कौन से नए नियम लागू किए। इसके साथ ही यहाँ पर रिटेंशन पॉलिसी के तहत अब सभी टीमें कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेगी। अगर हम बात करते हैं मेगा ऑक्शन के नए नियमों की, तो जो पहला नियम बीसीसीआई ने लागू किया वो किया 3 रिटेन प्लेयर्स को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने बताया कि मेगा ऑक्शन में अब एक टीम केवल 3 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी, जहां पर पहले बीसीसीआई का प्लान था कि 4 रिटेंशन रखी जाए। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि एक टीम केवल 3 ही प्लेयर्स को यहाँ पर रिटेन कर पाएगी। इसके साथ ही जो दूसरा नियम बनाया गया है वो बनाए गए इंडियन प्लेयर्स को लेकर। दरअसल ये भी कंफर्म हो चुका है कि इन 3 में से एक टीम मैक्सिमम 2 ही इंडियन प्लेयर्स को यहाँ पर मेगा ऑक्शन में परचेस कर पाएगी, मेगा ऑक्शन में रिटेन कर पाएगी। इसके साथ जो तीसरा नियम तैयार किया गया है वो किया गया ओवरसीज प्लेयर को लेकर। दरअसल बीसीसीआई बता चुका है कि टीमें या तो एक विदेशी प्लेयर को या फिर 2 विदेशी प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी। अगर टीमें 1 विदेशी प्लेयर को रिटेन करती है तो टीमें 2 इंडियन प्लेयर को रिटेन कर पाएगी, जबकि 2 विदेशी प्लेयर्स को रिटेन करती है तो केवल 1 ही इंडियन प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी। तो कुल मिलाकर ये नए नियम तैयार किए गए। इसके साथ ही जो चौथा नियम तैयार किया गया है वो किया गया आरटीएम कार्ड को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने इस साल के मेगा ऑक्शन से अब आरटीएम कार्ड को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इस मेगा ऑक्शन में किसी भी टीम को कोई भी आरटीएम कार्ड नहीं मिलेगा। टीमें यहां पर किसी भी प्लेयर को अब मेगा ऑक्शन में परचेस कर पाएगी और परचेस किए हुए प्लेयर को अब दूसरी टीमें यहां पर आरटीएम कार्ड का यूज करके अपनी टीम में इंक्लूड नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर आईपीएल ऑक्शन से अब यहां पर आरटीएम कार्ड समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं इस नई पॉलिसी के तहत आखिर 3 रिटेंशन के तहत कौन कौन सी टीमें कौन कौन से प्लेयर्स को आखिर रिटेन करेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो एमआई की तरफ से यह लग रहेगी यहां पर 3 रिटेंशन के तहत यह टीम रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को और यहां पर जसप्रीत बुमराह को रिटेन करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केकेआर की तरफ से, तो केकेआर की टीम की तरफ से यह लग रहा है कि ये टीम आंद्रे रसल को, इसके साथ ही शुभमन गिल को, इसके साथ ही दिनेश कार्तिक को या फिर ओएन मॉर्गन को, इन दोनों में से किसी एक को रिटेन करेगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से यह लग रहा है कि ये टीम संजू सैमसन को, इसके साथ ही जोस बटलर को और चेतन सकारिया को ये टीम यहां पर मेगा ऑक्शन में रिटेन करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीएसके की टीम की, तो सीएसके की तरफ से लग रहा है कि मेगा ऑक्शन में ये टीम एमएस धोनी को, इसके साथ ही रविंद्र जाडेजा को, इसके साथ ही सैम करन या फिर सुरेश रैना में से किसी एक को रिटेन करेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भी एक्सपेक्टेड लग रहा है कि ये टीम ऋषभ पंत को, इसके साथ ही सुरेश अय्यर को, इसके साथ ही खगिसो रबाड़ा को यहाँ पर मेगा ऑक्शन में रिटेन करेगी। अब बात करते हैं हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की तरफ से ये लग रहा है कि ये टीम केन विलियमसन को, इसके साथ ही राशिद खान को और भुवनेश्वर कुमार को रिटेन करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम मोस्ट लाइकली केएल राहुल को, इसके साथ ही निकोलस पुरन को और मयंक अग्रवाल को यहाँ पर मेगा ऑक्शन में रिटेन कर सकती है। अब एट द एंड अगर हम बात करते हैं आरसीबी की टीम की, तो यहाँ पर नई 3 प्लेयर्स की रिटेंशन पॉलिसी के तहत आरसीबी की टीम विराट कोहली को, एबी डिविलियर्स को और देवदत्त पाडिकल, युजवेंद्र चहल में से किसी एक को रिटेन कर सकती है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर नए नियमों के तहत ये टीम इन 3-3 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग मेगा ऑक्शन में केवल 3 ही रिटेंशन होने पर आखिर कौन सी टीम को सबसे अधिक फायदा होगा, कौन सी टीम को सबसे अधिक नुकसान होगा और आपकी फेवरेट टीम को कौन से 3 प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।